एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक बेटा था। वो बूढ़ी बहुत गरीब और बीमार थी। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसको पैसा कमाने परदेश भेज दिया। माँ ने सोचा, बेटा पैसा भेजेगा तो अपना इलाज कराऊंगी और अपना घर बनाऊंगी। कुछ दिनों बाद बेटे ने माँ को खत भेजा। माँ खत देखकर बहुत खुश हुई, खत को आंखों से लगाया, चूमा और दराज में रख दिया। क्योंकि पढ़ना नहीं आता था, लगातार बेटा खत भेजता रहा और उसकी माँ दराज में रखती गई। दिन गुजरते गए, बूढ़ी और बीमार होती गई, गरीबी बढ़ती गई। आखिर एक दिन उस बूढ़ी का इंतकाल हो गया। जब आसपास की औरतें आई सफाई करने के लिए, जब दराज को खोला गया तो उसमें बहुत सारे खत निकले। जब उन खतों को खोला गया तो हर एक इनवलप में, हर एक खत में एक मनी ऑर्डर मौजूद था। बेटा अपनी माँ को हर महीना पैसा भेज रहा था। माँ को पता ही नहीं था कि बेटे ने क्या भेजा है, बस चूमती थी और दराज में रख देती थी। आप लोग इस वाकया से क्या समझे कि हम मुसलमान भी शायद कुरान के साथ यही कर रहे हैं? चूम तो रहे हैं, आंखों से लगा तो रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें खजाने कितने अता किए हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।